स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जयपुर एक्जोटिक बर्ड्स इन्फो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड सभी हेल्दी और सेहतमंद होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद दोस्तों मैं कोई वीडियो अपने चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। एक लंबा समय हो गया मैंने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं डाला और अब से मैं रेगुलर बेस पर वापस से वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारे सनकनूस के ऊपर है। मैं सनकनू को डाइट में क्या दे रहा हूँ, अभी खाने में क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, कौन कौन से फूड खिला रहा हूँ, आज के इस वीडियो में मैं यही आप सभी से शेयर कर। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने अपने बर्ड्स का जो बाउल है वो अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है, साथ ही साथ में फ्रेश पानी ले लिया है और आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि ये अभी खाने के इंतजार में है। दोस्तों मौसम में थोड़ा सा गर्माश आ गई है, यानी कि थोड़ा सा गर्मी का फील आने लग गया है। तो इनका जो दोस्तों डाइट है वो मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है। सबसे पहले मैं आपको इनके फूड के बारे में बता दूं, जो मैं इनको फूड दे रहा हूं दोस्तों, जैसे कि अभी मेरे पास किचन में बनाना अवेलेबल था, ग्रेप्स अवेलेबल थे और साथ ही साथ में कुछ भीगे हुए सीड्स में चने हैं, मकई का दाना है, मूंग है, स्प्राउट्स है, थोड़ी सी मूंग की स्प्राउट भी बनी हुई है और मूंगफली के दाने हैं जो कि मैं रात भर सोक करके रखता हूँ, भिगो के रखता हूँ और सुबह इनको देता हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जब मैं ये सॉफ्ट फूड अब देना चालू किया हूँ तो मैं इनकी सीड की जो मात्रा है, मिक्स सीड है, वो बिल्कुल कम देना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि गर्मियाँ आते ही हमें सीड की मात्रा कम रखनी होती है और हमारे बर्ड्स को ऐसे फूड प्रोवाइड कराने होते हैं जिनमें पानी की प्रचुर मात्रा हो, जिससे उनको हीट स्ट्रोक ना आए और उनके जो सारे न्यूट्रिशन है वो सारे भी मिलते रहें। तो दोस्तों अभी मैं देरी नहीं करूँगा, ये देखिए कैसे खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं इनको पहले खाना डाल देता हूँ, फिर आप लोगों से आगे बात शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़, लाउड आवाज़ निकालते हैं खाने के लिए और आप देखेंगे जैसे मैंने खाना इनका डाला, अब थोड़ी देर में देखेंगे कि ये अपना खाना लेके खाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं इनको पानी भी डेली बेसिस पे चेंज करके देता हूँ। पानी का बाउल हमेशा अपना साफ रहना चाहिए और डेली बेसिस पे पानी को चेंज जरूर करना चाहिए। आपके पास कोई भी बर्ड हो आपको डेली बेसिस पे पानी को चेंज करना ही